तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि हाथा अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाता अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला और कारकुन हाईकोर्ट के दीवार पर चढ़ गए। पुलिस ने मस्जिद गेट के बाहर हिसार बना लिया। मस्जिद गेट से एंटी वाइट फोर्स वापस अदालत के अंदर चली गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश होने के लिए 5:30 बजे तक का वक्त दिया था। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 6 बजे शुरू हो गई। इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। अवाम का जम गफीर अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुँच गया। पहली दफा वर्कर्स अपने लीडर के लिए जान देने के लिए तैयार। इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाता अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला और कारकुन हाईकोर्ट के दीवार पर चढ़ गए। लाहौर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला और कारकुनान हाईकोर्ट के दीवार पर चढ़ गए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला कारकुनान हाईकोर्ट की दीवार पर चढ़ गए। पुलिस ने मस्जिद गेट के बाहर हिसार बना लिए। मजीद आपको एक बार फिर बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान का काफिला पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाता अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला और कारकुनान हाईकोर्ट की दीवार पर चढ़ गए। पुलिस ने मस्जिद गेट के बाहर हिसार बना लिए। मस्जिद गेट से एंटी राइट फोर्स वापस अदालत के अंदर चली गई। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुँच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाता अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाते अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश होने के लिए 5:30 बजे तक का वक्फा दे दिया था। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर 6:15 बजे शुरू हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश होने के लिए 5:30 बजे का वक्त दे दिया था। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी भी फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया था। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर 6:15 बजे शुरू हो गई थी। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गया। कमरा अदालत में इमरान खान के वकला के अलावा असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, जबकि अहाता अदालत और अदालत के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वकला और कारकुन हाईकोर्ट की दीवार पर चढ़ गए। पुलिस ने मस्जिद गेट के बाहर हिसार बना लिए। मस्जिद गेट से एंटी वाइट फोर्स वापस अदालत के अंदर चली गई। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेश होने के लिए 5:30 बजे का वक्त दिया था। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर 6:15 बजे शुरू हो गई।